हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पायल त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स हाइड करने के कई पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते पर्सनली भी, और कभी कभार ज़्यादा डिसलाइक्स आ जाते हैं तो भी एक प्रोस्पेक्टिव से लोग हाइड करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी वीडियोस के लाइक्स को डिसलाइक्स को हाइड कर सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपली। वीडियो में बस एंड तक आप लोग बने रहिए। दो ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप वीडियो के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को हाइड कर सकते हैं। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने YouTube वीडियोस के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को हाइड करने के लिए आप दो ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। पहला है आपके YT स्टूडियो के अंदर, जो पहला टिप है वो है आपको जाना है अपने YT स्टूडियो के अंदर। उसमें मैं चला गया, सपोज करें मुझे इस वाले वीडियो के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को हाइड करना है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा मैं एडिट वाले ऑप्शन पर, पेंसिल वाला आइकन आप लोग को दिख रहा होगा, इस पर मैं गया। इस पर जाने के बाद मुझे जाना है एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पर, और सबसे नीचे आप लोग को दिख जाएगा व्यूवर्स कैन व्यू द रेटिंग ऑफ दिस वीडियो, ऐसा ऑप्शन है। ये मेरे में अभी ऑन है, मैं मतलब मेरे में जितने लाइक्स हैं डिसलाइक्स आए हैं सबको दिख सकते हैं। मैं इसको ऑफ करता हूँ, अगर मैंने ऑफ कर दिया तो अब आप लोगों को नहीं दिखेगा कि इस वीडियो में कितने लाइक हैं कितने डिसलाइक हैं। तो एक तो ये हमारी पहली ट्रिक थी YT स्टूडियो के अंदर। दूसरी जो है वो हमको ब्राउज़र के थ्रू जाना है, हम लोग क्रोम ब्राउज़र के थ्रू चलते हैं, अपने चैनल के अंदर जाना है, चैनल के डैशबोर्ड में चले जाना है। ये काम आप वीडियो को अपलोड करते टाइम भी कर सकते हो, और वीडियो अपलोड कर लिए हो तो उसके बाद भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं आप लोग के पास। जैसे हम लोगों ने इस वीडियो को अपलोड कर लिया है तो हम लोग जाते हैं इस वीडियो को ओपन करते हैं, एडिट वाले ऑप्शन पर जाते हैं। जब आप लोग स्लाइड करोगे जहां पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है, टैग्स लिखे हैं, वैसे पूरा पेज ओपन होकर के आ गया, उसके बाद आप लोग को दिख जाएगा व्यूवर्स कैन व्यू द लाइक्स एंड डिसलाइक्स रेटिंग्स वाला पूरा ऑप्शन है। वो अभी चेक दे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे में सब लाइक्स एंड डिसलाइक्स दिख रहे हैं। इसको मैं अनचेक करके ऊपर सेव वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा, सेम वैसे ही आपको मेरी इस वीडियो पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स दिखना बंद हो जाएंगे, कितने लाइक हैं कितने डिसलाइक हैं। तो सिंपल सी ये दो ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को हाइड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं, यूजर नेम आपके सामने है, जाकर के फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। कोई भी क्वेरी है वहाँ मैं सबसे पहले आप लोगों की सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।